हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी ब्लाउज डिजाइन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन। ये डिजाइनें बहुत ही खूबसूरत डिजाइनें हैं। इस वीडियो में हमने जितनी भी डिजाइनें ऐड की हैं, सभी डिजाइनें एक से बढ़कर एक हैं। इन डिजाइनों को आप लोग देखिएगा और पसंद करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कौन सी डिजाइन आप लोगों को पसंद आए। इन डिजाइनों की स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने ब्लाउज की बैक में ये डिजाइन बनवा सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो खुद क्रिएट कर सकते हैं, अगर सिलाई नहीं आती है तो किसी बुटीक या टेलर से आप ये डिजाइनें अपने ब्लाउज में सिलेक्ट करवा सकते हैं। आप अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं, ताकि आप जैसे खूबसूरत डिजाइन वाले ब्लाउज आपके फ्रेंड भी पहन सके। इस वीडियो में हमने दोनों तरह की डिजाइन डाली हैं। सिंपल अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो सिंपल डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हैवी ब्लाउज बनवाना चाह रही हैं तो आपको हैवी डिजाइन देखने को मिल जाएगी। सिंपल साड़ी में अगर हैवी ब्लाउज पहन रही हैं तो आपकी साड़ी की सुंदरता और बढ़ जाती है। आप इन डिजाइनों को देखिएगा और पसंद करिएगा। आप अपने ब्लाउज में एक बार ट्राई जरूर करिएगा। इस वीडियो में हमने हर तरह गले की डिजाइन ऐड की है। आप चाहे गोल गला, चौकोर गला, भी गला, जो भी गले की डिजाइन चाहिए आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने जितनी भी डिजाइनें ऐड की हैं, सभी डिजाइनें बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनें हैं। आप इन डिजाइनों को अपने कुर्ते की बैक में भी बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लहंगे के ब्लाउज में भी ये डिजाइन बनवा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिजाइनें हैं। इस वीडियो में हमने जितनी भी डिजाइनें ऐड की हैं, सभी डिजाइनें एक से बढ़कर एक डिजाइनें हैं। इस डिजाइन में देखिएगा लुप्स के साथ मोती का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा छोटी छोटी लुप्स बनाकर लेस का यूज किया गया है। इसमें होममेड फ्लावर का यूज किया गया है। इसमें होममेड लटकन का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा मोती के साथ लेस का यूज किया गया है। इसमें होममेड फ्लावर और होममेड लटकन दोनों का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा छोटे छोटे फ्लावर बनाकर डोरी ऐड की गई है। इसमें देखिएगा बटन का यूज किया गया है। इसमें लेस और फ्रिल दोनों का यूज किया गया है। इसमें होममेड फ्लावर का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा पत्तियों के साथ ये डिजाइन बनाई गई है। ये बहुत ही प्यारी और सिंपल डिजाइन है। इसमें देखिएगा फ्रिल का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा फ्रिल के साथ बटन का यूज किया गया है। इसमें होममेड फ्लावर का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा होममेड लटकन का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा फ्रिल के साथ डोरी ऐड की गई है। इसमें देखिएगा बटन का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें ब्लैक के साथ लेस लगाकर डिजाइन क्रिएट की गई है। बिना स्किप किए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है वो डिजाइन निकल जाए जो आपको पसंद आने वाली हो, इसलिए प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हमने 100+ डिजाइनें ऐड की। 100+ डिजाइनें ऐड करने में काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाता है। आप लोग पेशेंस बनाकर देखिएगा, कोई भी डिजाइन मिस मत करिएगा। आपको कोई ना कोई डिजाइन जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई डिजाइन नहीं पसंद आती है तो आप मेरे इसी चैनल में दूसरे वीडियोज देख सकते हैं, आपको उसमें कोई ना कोई डिजाइन जरूर पसंद आएगी। डिजाइन में देखिएगा ग्रीन और रेड का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें देखिएगा लेस लगाकर डोरी लगाई गई है। इसमें देखिएगा होममेड लटकन का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा रेड के साथ लेस का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लगा है। इसमें पिंक के साथ ग्रीन का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें होममेड लटकन और मोती का यूज किया गया है। इसमें ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें देखिएगा व्हाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें व्हाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। लेस के साथ डोरी का यूज किया गया है। इसमें होममेड फ्लावर का यूज किया गया है। इसमें छोटी छोटी लिप्स बनाकर लेस का यूज किया गया है। इसमें मोती ऐड की गई है। येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें देखिएगा सपोर्ट के लिए डोरी का यूज किया गया है। इसमें देखिएगा छोटी छोटी लिप्स बनाकर डोरी ऐड की गई है। इसमें होममेड फ्लावर के साथ ये डिजाइन क्रिएट की गई है। इसमें बटन का यूज किया गया है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।